कहाँ पे? इस पाइप में, इसमें सबमर्सिबल का वो पाइप है, प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक वाला, हाँ पुराना वैसे पानी वाला पाइप, हाँ प्लास्टिक का जो पाइप है सबमर्सिबल वाला, हाँ वही तो मंगवाया, वो चला जाएगा जी, तो सूख गया भैया, चलो रुक जाओ फिर एक काम करता हूँ, या कुछ बांस से आपको जो है ना सही दो मिनट में इसके अंदर धीरे धीरे इस पाइप को डालना है, आपको ना ऐसे धीरे धीरे डालना है, कर दूंगा, तो आप यहाँ जाइए मैं उधर जा रहा हूँ, इधर तो आएगी नहीं, नहीं 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 आप धीरे धीरे हिला हिला के करना, आपको थोड़ा आगे पीछे हिला हिला के ऐसे करना है, कट्ठा जब लगा दिए तो फंस रहे हो इसमें, ये थोड़ा धुआं करना, ये बंद करना पड़ेगा, एक मिनट को वो बंद कर दो ना, अगला वाला सुन भाई, ये बंद करना पड़ेगा, ना उधर तो लेटिंग तो कहीं को समझ ना जाने के कहीं में थोड़ी पड़ जाएगी, यहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं और बीच में गैप भी है, तो ये पाइप के अंदर बड़ी हुई है, तो सारे में चेक करने के बाद में क्या होता है, इस पाइप में बड़ी हुई है, तो यहाँ पे बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि पाइप के अंदर है और हम यहाँ पे पानी चला रहे हैं, उसको निकालने के लिए कि उसको अच्छे से निकाल दें, उसको तकलीफ ना हो, तो वीडियो बने रही है, वहाँ पे पानी चला रखा है, तो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, वो निकले उसको हम पकड़ के जंगल में छोड़ दें उसको, यहाँ से दूर, इससे पहले सब को निकाल लो, इसको डाल दो, इसको पूरे को डालो, ये तो पानी चढ़ जाएगा तुरंत ही, नहीं वैसे खोल के ना तो धीरे धीरे डालना पड़ेगा ना इसको, बड़ी बड़ी कोशिश करनी पड़ रही है इसको निकालने के लिए, देख रहे हो कि नया पाइप मंगाना पड़ा है, तो इसको पानी चला के पाइप को अंदर डालेंगे तो हो सके शायद वो निकल जाए, तो कोशिश जारी है, वीडियो बने रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी टाइम हो चुका है, 3-4 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए, तो इसको निकाल के लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो वो बहुत डरे हुए हैं, आप देख सकते हो बहुत डरे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन देरी मत, वापसी चली गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुंडी निकाल ली है, आपको दिख रहा है
है बहुत। उसके बाद में ये बाहर निकली है तो इसको बड़े सावधानी से पकड़ना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो खेलने से लगी है फिर से चली गई। फिर से थोड़ा सा घूम निकाला हुआ है, बाहर निकाला हुआ है थोड़ा सा। मैं देख सकती हूँ थोड़ा सा वो बाहर निकाला हुआ है, ये थोड़ा सा निकाला हुआ है, ये आएगी अंदर भी बाहर थोड़ा सा। काफ़ी देर हो चुकी है, मेहनत अभी जारी है तो सोचते हैं इसको सही से रेस्क्यू कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ लोग अब बहुत डरे हुए हैं। थोड़ा उस तरफ जाके देखिए, थोड़ा सा दिखा रही है ना। तो मुझे लगता है कच्चे मंदिर जाएगी, अभी बाहर निकाला हुआ है इस मामले। उधर ही है ना भाई, अभी देख सकते हो उसको, काफ़ी घंटे के बाद में उसको सही सलामत पकड़ लिया गया है। बहुत मेहनत की इसको पकड़ने के लिए, आप देख सकते हो पानी के अंदर काफ़ी देर तक रुकी हुई थी ये, और इसको हाथ डाल के निकालना पड़ा, ये बाहर नहीं आ रही थी। पानी में इसने आंखें बंद की तो थोड़ा सा मौका मिला हमको, और हमने इसको सही से रेस्क्यू कर लिया है। क्योंकि इसकी आंखें बंद थी तो इसको मेरा हाथ दिखाई नहीं दिया, मैंने पानी में जब दिया था तो ठंडक में इसकी आँखें बंद हो गई चुकी थी, तो मैंने धीरे धीरे इसको गर्दन से पकड़ना पड़ा। खतरा था लेकिन क्या करें, माइक लोग सब लोग डरे हुए हैं यहाँ पर, तो इसलिए पकड़ना भी अच्छा था। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद में इसको हमने अच्छे से रेस्क्यू कर लिया है। काफ़ी देर से हम बहुत मेहनत कर रहे थे, और ये घर के मालिक हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसको पकवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से कि अब ये सबसे तो बढ़िया काम इन्होंने ये करा है कि इसको मारा नहीं है। हाँ। यानी कि इसको पकड़वाने में जो है हमारी पूरी सहायता करी है कि इसको मारा नहीं है इन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, इसको मारा नहीं है और इसको सही सलामत। वरना मोस्टली लोग जो है ऐसी कंडीशन में मारी देते हैं। हाँ, बच्चे डर के वजह से मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ही देख रहे हो आप। हाँ। तो बच्चे खेलते हैं तो इसके डर के वजह से क्या होता है कि इनको मार देते हैं। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है, इसको मारा नहीं है, तो इसको हम अब पैक करते हैं। काफी देर हो चुकी है इसको पकड़ने में, मोटर बंद कर दो। दोस्तों तकरीबन इसको पकड़ने में आपको बता दूं 3 घंटे लग चुके हैं। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में इसको पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं ये वहाँ गटर में छुपी हुई थी, और ये गटर की जो दूरी है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक, जो वो गटर आप देख रहे हैं वहाँ तक इसकी दूरी है। और इसको पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड वर्क लग चुका है हमारा। भैया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भैया कितना टाइम लगा इसको पकड़ने में। कम से कम 3 से 3.5 घंटे। 3 से 3.5 घंटे लग गए। मतलब इसको पकड़ने में हमें क्या क्या करना पड़ा आप थोड़ा सा बताएंगे जनता को? पाइप में पानी चलाया है, केबल डाला है। हाँ। और कट्टे लगा लगा के 2-3 घंटे पानी चलाया है। हाँ। यहाँ तक कि बिजली भी यूज की है। हाँ। लेकिन सेफली पकड़ लिए। जी जी। तो आप देख सकते हो कि पानी पिलवा दो थोड़ा थोड़ा। मालिकों ने भी इसको पकड़ने के लिए हमारी पूरी सहायता की है, पूरा साथ दिया है। तो ऐसे ही आप लोग करते रहोगे तो इन जीवों को हम बचाते रहेंगे। इसको हम पैक करते हैं, इसमें दबाए हुए देख सकते हो। देखिए चिपक गया, चिपक गया ये देखिए, काफ़ी देर से बहुत। तब इसको इसके पर्यावरण में जंगल में छोड़ने के लिए हम जाते हैं,
बहुत दूर जंगल में, ये तो पहाड़ों में जाएंगे, इंसानों से दूर और ये ठंडे एरिया में, इंसान दूर हम इनसे दूर, ये जंगल में जाएंगे, ये फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा, शेर से कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं इसके अनुकूलित वातावरण में इसको रिलीज़ करने के लिए, और ये चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जंगली जंगल है, काफ़ी घना जंगल है, जो इसके लिए बहुत सही जगह भी है जहाँ पे अपने आराम से रह सकेगी और अपने अच्छे से सर्वाइव कर सकेगी। तो चलिए हम इसको रिलीज़ कर देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसने बहुत कैरी करवाई थी हम पे, बहुत मेहनत करी थी हमने इसको पकड़ने के लिए, और घर के लोगों को डरे हुए थे, तो इसको हम जंगल में छोड़ने के लिए आ चुके हैं। तो इसको हम जंगल में छोड़ते हैं, इसको कोई जहरी होती नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन होता है, तो इसको हम जंगल में छोड़ जरूर। चलो इसको हमने खाने के लिए छोड़ दिया है।